चूंकि ताजमहल का जो रात्रि दर्शन है वो प्रत्येक पूर्णिमा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक उसको दर्शकों के लिए खोला जाता है। पर चूंकि ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है या ज़्यादा चमकदार होता है, इसकी वजह से लोगों में उसका क्रेज़ होता है। यदि हम कल की या 24 तारीख के लिए शरद पूर्णिमा की यदि हम बात करें तो चूंकि रात्रि दर्शन के लिए केवल 400 दर्शक ही अलाउड हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, तो 400 टिकट ही उसमें हम लोग दे सकते हैं। 50-50 के स्लॉट होते हैं और रात को 12:30 तक चलता है। तो अभी जो समय की बात है तो कल के लिए जो 400 टिकट है वो पूरे बिक चुके हैं और ये अगले 2 दिन तक और 25-26 को भी रात्रि दर्शन खुला रहे। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं या जिसको हम लोकल भारतीय दर्शक कहें उनके लिए 520 रुपये का टिकट है और विदेशियों के लिए 750 रुपये का टिकट। इनमें विदेशियों और लोकल का भी कुछ डिफरेंस रहता है कि इतने हमको विदेशी देने हैं या नहीं, सभी? ऐसा नहीं है। देखिए, 400 टिकट का गाइडलाइन है, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पे टिकट काउंटर पे जो पहले आते हैं उनको वो पहले प्रदान कर दिया जाता है।